रसोई में भोजन बनाती हैं, है ना। जब रोटी सेंकनी हो तो कितनी आँच चाहिए, आँच अग्नि का ताप कितना चाहिए आपको पता है ना। कम हो जाएगी तो कच्ची रह जाएगी, कड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो जल जाएगी, है ना। तवा कितना गर्म होना चाहिए, यदि तवा ज़्यादा गर्म कर दिया उस पर रोटी डाल दी तो रोटी खराब हो जाएगी। तवा कितना गर्म होना चाहिए आपको मालूम है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी महिलाएं हैं। कचौड़ी में कितना ताप चाहिए, डालते समय कितना चाहिए, बाद में सिकने में कितना चाहिए, कम ज़्यादा होता रहता है बीच बीच में, फिर कम कर देती हैं, फिर ज़्यादा कर देती हैं। केक बनाती हैं महिलाएं, केक में कितना ताप चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा, वो भी चलता रहता है। पूड़ी बनाती हैं, पकौड़ी बनाती हैं, है ना। तो इतना आपको मालूम है कि कितना ताप किसको बनाने में चाहिए, इतना आप जानती हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा और कम हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यदि धीमी आँच में ठीक बनती है और उसको जल्दी बनाना तेज कर दिया तो वो बन जाएगी, नहीं। उसको जितनी आँच चाहिए उतनी आँच तो देनी पड़ेगी। तो हमारी महिलाएं बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब आप तारीफ करो ना करो, मैं तो कर ही दूं आपकी तरफ से, क्योंकि हर घर की अक्सर यही शिकायत होती है, जरा सा नमक कम हो जाए तो तुरंत बोलेंगे, और ठीक बन जाए तो खा के चुपचाप चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं कि अच्छा बना है। ऐसा होता है क्या? अच्छा बने तो तारीफ नहीं करते हैं, और जरा सा गड़बड़ हो जाए तो बुराई कर देते हैं। तो आपकी तरफ से मैं कर देती हूँ, अब आप कर लिया करो। इसी तरह से धातु होती है, धातु पीतल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। अब आप लोहे के बर्तन आप अपने गैस पर रखते हो, कभी गलते हैं क्या? नहीं गलते हैं, थोड़े बहुत काले हो जाते हैं यदि कभी जल जाए तो, लेकिन गलते नहीं है, है ना। क्यों क्यों नहीं गलते? अग्नि तो वो भी है। लोहा को गलाने के लिए कितना ताप चाहिए उतना फैक्ट्री में दिया जाता है, जितना आपके गैस में निकल रहा है इतना ताप लोहे को गला नहीं सकता, लोहे को जला नहीं सकता है। लोहा भाप की तरह उड़ भी सकता है, उसके अनुसार अग्नि देनी पड़ती है कि कितना गलाना है, कितने में जलाना है, कितना उड़ाना है, कितना बचाना है। ये सब वैज्ञानिकों का काम है, ये सब वो करते हैं, इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं इस चीज़ के। सोने के आभूषण बनते हैं, सोना को गलाने के लिए क्या चाहिए? जब तक गलाएंगे नहीं, नरम नहीं करेंगे, तब तक उसको आकार नहीं दिया जा सकता। अब आप सोने के हार पहनते हैं, सेट पहनते हैं, तो उसको आप कोई भी सोने को जरा तोड़ के देखो, टूटता है कि नहीं टूटता, हिलने वाला भी नहीं है। उसको मोड़ने के लिए अग्नि का ताप चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है यदि ज़्यादा ताप दे दिया तो अग्नि जल भी जाए, लोहा सोना जल भी जाए, बचेगा नहीं, इतना भी हो सकता है। पीतल है, चांदी है, सारी चीज़ों के साथ यही बात है, है ना। अब आप सोचोगे कि माता जी ये बात क्यों कह रही हैं, इसका कारण क्या? आज माता जी ने ये भोजन बनाने की बात करी, अब ये उदाहरण आपकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल हैं, आप दिन भर उस चीज़ को समझते हैं, करते हैं, तो आपके अंदर में अनुभव में सारे उदाहरण हैं। तो अभी जो सामने वाली चीज़ें जो दिख रही हैं, इनको जलाने का ज्ञान तो हो गया, इनको बनाने का ज्ञान तो हो गया, इनको गलाने का ज्ञान तो हो गया, लेकिन जो नई दिख रही है इसका ज्ञान है कि नहीं है? अब ठंड आ गई है, ठंड के समय में आप अपने कमरे में जाते हैं, कमरा एकदम चील रहता है, एकदम ठंडा रहता है, ठंड दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। आप हीटर जला देते हैं, क्या हो जाता है? ठंड दिख रही थी क्या? अब उसमें गर्माहट दिख रही है क्या? अग्नि तो दिख रही थी, उसकी गर्माहट नहीं दिखती है।
गर्माहट आंखों से नजर नहीं आती है, गर्माहट महसूस होती है ना। तो आप अदृश्य को भी जानते हैं कि ठंडे को गर्म कैसे करना है और गर्म को ठंडा कैसे करना, आप इस बात को भी जानते हैं। इसका मतलब आप बहुत होशियार हैं। अरे हाँ तो बोल दो, हो कि नहीं हो? अच्छा अभी बताती आप होशियार हैं कि नहीं है, अभी बताती हूँ, आपसे पूछूंगी हैं। अब बात आती है खुद के ऊपर, अब बात आती है खुद के ऊपर कि आपको, आपसे पूछा जाए कि आपको परेशान कौन करता है, तो आप किसका नाम लोगे घर में? पत्नी होगी, पति का नाम लेगी, पति होगा पत्नी का नाम लेगा, है बच्चे के, बच्चों के लिए भी हो सकता है कि कुछ बच्चे भी परेशान करते हों, हो सकता देवरानी परेशान करती हो सकता जेठानी परेशान करती हो सकता है पड़ोसी परेशान करते हो सकता है रिश्तेदार परेशान करते हो सकता है तुम्हारा पैसा खाके बैठ गया इस बात से तुम परेशान हो। यही बातें हैं ना, परेशानी के क्या क्या कारण हैं, बस गिनती गिनती के हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और अभी इन सबका एक कारण कर दूंगी मैं, इसका निचोड़ निकाल दूंगी अभी कि परेशान कौन करता है। और ज्यादा होगा तो अपना शरीर ही अपने को परेशान करता है। भाई दूसरों को दोस्त तो तुमने दे लिया कि उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे परेशान किया, अब शरीर तुम्हारा तुम्हें परेशान कर रहा, अब तुम दोष किसको दोगी? दे सकते किसी को नहीं, फिर क्या कहोगे? अरे हमारे कर्म है, हम भुगत रहे हैं। जब बीमारी ज्यादा परेशान करती है तो यही कहा जाता है, अरे हमारे कर्म है, हम ही को भुगतना पड़ेगा, कौन भुगतेगा? लेकिन जब सामने वाला परेशान करता तब नहीं कहते कि हमारे कर्म है, हम भुगत रहे हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, एक होते हैं जो पुद्गल विपाकी और एक होते हैं जीव विपाकी। एक पुद्गल के माध्यम से उदय में आते हैं और एक जीव को डायरेक्ट परेशान करते हैं। तो इसमें से अब आप बताओ कि मूल कारण क्या है, सामने वाले ने परेशान किया कि हमारे कर्मों ने हमें परेशान किया? अरे जोर से बोलिए ना, कर्मों ने परेशान किया। उस परेशानी की स्थिति में आपने क्या किया? सामने वाले से लड़े, भिड़े, विरोध किया, ईर्ष्या करी, कषाय करी, क्रोध किया। पहले का कर्म उदय में आया था, वो झड़ रहा है, और उस कर्म के उदय में आप उसी रूप हो गए। यानी कर्म ने क्रोध कराया, तुमने क्रोध कर लिया, बंद फिर हो गया। पुराना कर्म झड़ रहा था, नया बंद उससे ज्यादा कर लिया। यही चल रहा है ना, पुराना तो जा ही रहा है, उस जिसका समय आता जाता है वो अपना उदय देता है। क्रोध का हो क्रोध आता है, मान का हो मान आता है, मायाचारी लोभ है, हिंसा झूठ चोरी कुशल, जिस कर्म का उदय आता है वैसे रूप तुम हो जाते हो और नया बंद कर लेते हो। अब हम पेटी में पैसा डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, पेटी खाली होगी क्या? नहीं, जितना निकाल रहे हैं उससे ज्यादा डाल रहे हैं, खाली होगी क्या? नहीं, और भरती जाएगी। अब पेटी को खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? निकालना निकालना पड़ेगा, है ना। अब धीरे 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 निकालेंगे तो बड़ा बड़ा टाइम लग जाएगा। यानी बहुत सारा कचरे का ढेर है और यदि उसको हटाना है तो आपको मतलब पहाड़ खड़ा है कचरे का, पहाड़ किसका? कचरे का। अब पहाड़ को यहां से उठा के जंगल में शिफ्ट करना है, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और यदि उस पहाड़ को वहीं के वहीं नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आग लगा दो। बारिश होती है दो तरह से होती है, एक तो बूंद बूंद करके बरसती है, ऐसी बारिश ज्यादा होती है जो बूंद बूंद करके बरसती है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से सहन हो जाता है, एक एक बूंद आके गिर रही है सहन हो जाती है। लेकिन आपने सुना कि पहाड़ों पर बादल फटते हैं, सुना है आपने? बादल फटने का क्या मतलब होता है? पूरी बाढ़ ही आ जाती है। अब पानी बूंद बूंद करके आए तो निकलता जाएगा, आता जाएगा, निकलता जाएगा, और यदि बादल ही फट जाए एक साथ में तो बाढ़ आ जाती है, एक साथ में बाढ़ आ जाती है, पता ही नहीं चलता पानी
कहां से, और मतलब जो उस बाढ़ में रहता है वो सोच भी नहीं पाता है और काम निपट जाता है। तो ऐसे ही अब हमारे पास में कर्म है। कौन है हमारे पास में? कर्म है। अब कर्मों को यदि हमें हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परेशान कौन कर रहा है? कर्म। अरे कर्म अकेले परेशान नहीं करते, कर्म सुखी भी करते हैं। पुण्य भी तो कर्म है, पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है। अब हमें कर्म पाप पुण्य को नष्ट नहीं करना है। किसको नष्ट करना है? पाप को नष्ट, पाप को करना है। पुण्य का काम क्या है? सुख देना। पुण्य का क्या काम है? सुख देना। सुख दो तरह का होता है, सुख दो तरह का होता है। आपको अपना मन पसंद का भोजन मिल गया, सुख है कि नहीं है? आपकी मन पसंद साड़ी मिल गई, कपड़े मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, सुख है कि नहीं है? है। आपके मन पसंद गाड़ी मिल गई, सुख है कि नहीं है? आपकी मन पसंद कोठी मिल गई, सुख है कि नहीं है? आपके मन पसंद बच्चे मिल गए, सुख है कि नहीं है? ये भी सुख है। और अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, सुख है कि नहीं है? सुख के प्रकार बता रही। सुख दो तरह का होता है। एक सुख ऐसा होता है कि जिसमें संसार की कोई वस्तुएं नहीं चाहिए फिर भी सुख है, और एक में संसार की वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन सा सुख श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कौन सा सुख है? संसार वाला? नहीं भाई, संसार का सुख तो कमाना पड़ता है। पैसा है तो सुख है, नहीं है तो सुख नहीं है। बच्चे हैं तो सुख है, नहीं है तो सुख नहीं है। ये संसारिक सुख है। लेकिन कुछ भी नहीं है वो फिर भी सुखी है, तो आप कौन से वाले सुखी हैं? कौन से सुख के लिए मेहनत करते हो? कौन से सुख के लिए मेहनत करते हो? और पुण्य, जब तक तुम्हारा विशेष पुण्य नहीं होगा तब तक ध्यान में मन नहीं लगेगा। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक पूजा नहीं होगी। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक दान नहीं होगा। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक तीर्थ यात्रा नहीं होगी। जब तक पुण्य नहीं होगा तुम्हें प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे, प्रवचन सुनने का मन नहीं करेगा। यदि तुम्हारा अंदर से उमड़ रहा है कि नहीं मुझे सुनना है, नहीं मुझे ज्ञान चाहिए है, नहीं मैं बैठूंगी चाहे सारे काम छोड़ दूंगी, बीच में एक क्षण का क्या हुआ? पाप कर्म आ गया। अब फिर आ गया वापस पुण्य है। तो जब तक धर्म के काम भी तब तक नहीं होते हैं जब तक कि पुण्य का उदय नहीं होता। आप अपने आप को पुण्यशाली मानना कि आपका प्रवचन सुनने का मन कर रहा है। बहुत से लोग होंगे जो उठ के चले गए, बहुत से होंगे जो गाड़ी में बैठ के निकल गए। जिसको ज्ञान की कीमत पता है वो पुण्य आत्मा है। सबसे बड़ा पुण्य आत्मा वो है जिसे ज्ञान की कीमत मालूम है, आत्मा की कीमत मालूम है, धर्म की कीमत मालूम है। जिसे धर्म की, आत्मा की, ज्ञान की कीमत नहीं पता है वो ही सबसे बड़ा। नहीं आगे नहीं बोल रही मैं, अब समझने वाली बात इसलिए तो सुना देती हूँ मैं कि समझदारी से आप पहले समझ जाते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य आत्मा जिसे पता है कि चार काम छोड़ के नहीं पहले प्रवचन सुनना है। यदि नहीं सुनेंगे तो भोजन कम मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। भोजन थोड़ा कम तरह का मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। और यदि ज्ञान छूट गया तो शायद मैं अपने आप को जानने से रह जाऊंगी, मैं अपना ध्यान करने से रह जाऊंगी। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, मैंने सुख की बता दी। दो तरह के सुख होते हैं, यानी पुण्य पैसा है। पुण्य एक अदृश्य पैसा है, अदृश्य पैसा। वो नोट तो तुम्हारे हाथ में पकड़ में आते हैं, लेकिन नोट तब तुम्हारे हाथ में पकड़ में आते हैं जब पुण्य होता है। जब अदृश्य पैसा होगा तो दृश्य पैसा आएगा, और अदृश्य पैसा नहीं होगा तो दृश्य पैसा भी नहीं आएगा। ये पुण्य जो है अदृश्य पैसा है, इससे चाहो तो तुम संसार के सुख खरीद लो, और इससे चाहो तो तुम आध्यात्मिक, आत्मिक ज्ञान और आनंद खरीद लो। अब तुम क्या खरीदते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या लेते हो? दुनिया एक बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है।
यहाँ ध्यान भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, भगवान भी मिलते हैं और यहाँ पर संसार की वस्तुएं भी मिलते हैं। तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। और सुख तो बरस रहा है, दुख बहुत कम है संसार में। अरे बोलिए ना, आपको कहोगे माता जी आपको पता नहीं है दुख ज्यादा है, आपको पता नहीं, हम जानते हैं, हम ग्रस्ती हैं, हम कैसे रहते हैं इस घर में हमें पता है। आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे? नहीं, आप अपनी धारणा को हटाओ और जो मैं कह रही हूं इसको धारण करो। संसार में सुख ज्यादा है और दुख कम है। अब तुम महसूस किसको करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम घर में बैठ के लिस्ट बनाना कि तुम्हारे पास में सुख कितने हैं और दुख कितने हैं, लिस्ट बनाना। आज एक काम तो कर ही सकते हो ना, एक लिस्ट तो तैयार घर जाके कर लेना। अब ऐसे तो रास्ते में आप लोग फ्री रहोगे, क्या करना है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, तुम्हें क्या करना है, तुम लिस्ट तैयार कर लेना। घर में बैठ के तो फिर भी टाइम मिले ना मिले जरूरी नहीं है, मगर गाड़ी में तो बहुत टाइम मिलेगा। और जब चार जने इकट्ठे बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो याद भी आएंगे, आधे तुम्हें याद आएंगे, आधे उसको, तो तुम्हारी लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी कि सुख कितना है और दुख कितना है। इतना तो कर ही सकते हो ना, कौन कौन बना लेगा लिस्ट? हाँ नहीं, उठाओ उठाओ हाथ, ये आपको सुखी करने का रास्ता है। ये यदि सुखी होना है तो ये काम करना जरूरी है। और ये काम नहीं किया तो आप तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे और दुख ही भोगते रहोगे। सुख भोगना है तो आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, उसकी पूरी लिख के पढ़ के सोच के समझ के ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी, तब कहीं ये सुख ऐसे ही नहीं आ जाता है। ज्यादा होने के बाद भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे सुख को, जब तक उसकी पूरी तैयारी नहीं करोगे। उसे निमंत्रण देना पड़ेगा, उसे आमंत्रण देना पड़ेगा, उसको विनय पूर्वक बुलाना पड़ेगा, भैया तुम हो तो सही लेकिन हमारे पास तो आओ, हमें बताओ तो सही। सबसे बड़ा सुख है कि मनुष्य पर्याय में बैठे हो, सबसे बड़ा सुख है कि तुम्हें ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है, सबसे बड़ा सुख है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ा सुख है कि तुम्हें अपनी आत्मा के विषय में पता है, सबसे बड़ा सुख है कि तुम जानते हो भगवान कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, तुम्हारी श्रद्धा धर्म में है, सबसे बड़ा सुख है। जो धर्म नहीं कर रहा ना, वो आजकल वो एक शब्द चला साइको, साइको ही बोलते हैं साइको, वो 30-40 की उम्र के बाद साइको निश्चित हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात कह रही मैं, ये आने वाली जो पीढ़ी जो धर्म से दूर भाग रही है और केवल अपने आप को छोटे कपड़े पहन के और बाल कटा के बाल उड़ा के अपने आप को समझती है कि मैं बहुत मॉडर्न हो गई हूँ, और जो ये लोग जो बैठे हैं ये तो सारे बैकवर्ड हैं, ये समझना कि वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही है। पहले के समय में ना तो इतने साइको होते थे और ना इतना डिप्रेशन होता था। कारण क्या था? धैर्य था, सहनशीलता थी, एक दूसरे का सम्मान था, धर्म था साथ में। और जितने भी भारत के मंदिर थे हर मंदिर में शास्त्र सभा चलती थी, जितने मंदिर थे। अब तो शास्त्र सभाएं बंद हो गई हैं। यदि तुम ठीक रहना चाहते हो, यदि तुम अपने मन को ठीक रखना चाहते हो, यदि तुम बीमारियों को कम बुलाना चाहते हो, तो फिर से मंदिरों में शास्त्र सभाएं शुरू कर दो। ज्यादा मॉडर्न बनने से कुछ नहीं होने वाला। ये ऊपर की चमक धमक ना, ये थोड़ी देर की है। मैं तो जो आने वाली पीढ़ी है आते यहाँ, वो भी आते हैं और समस्याएं उनके पास भी हैं। अब वो अपने माँ बाप को कई बार कह नहीं पाते हैं तो वो मेरे से कहते हैं, तब मुझे पता चलता कि ये ऊपर से इतने सुंदर दिखने वाले बच्चे अंदर से इतने परेशान हैं। मैं कोटा रही, कोटा में बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, दुनिया से बहुत बच्चे आते हैं। तो वहाँ मेरा प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद वहाँ पर जो वहाँ के जो संचालक थे उन्होंने कह दिया कि किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो, कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो वो माताजी से बात कर ले, आधे घंटे का टाइम है। और जब मैंने उन बच्चों की बात सुनी, ओहो, मुझे लगा ये बच्चे इतने परेशान हैं। जो जितना ज़्यादा जल्दी समझदार हो गया वो उतना परेशान। लव मैरिज करता है उसमें से 50% तो टूटती ही टूटती है, 50 तो गारंटी लिख लो आप, 50 तो टूटती टूटती है। एक लड़की आई थी यहाँ,
बोले माता जी वो मैंने अपने पति को छोड़ दिया। भाई क्या बात हुई? मैंने ना लव मैरिज करी थी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो बोले पहले तो मैंने अपने मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया, बड़े मैंने वो बहुत मतलब करके बड़ी मुश्किल से, जब वो नहीं माने तो मैंने भाग के शादी कर ली। अब वहां पर उनके मम्मी पापा ने उन्हें अपनाया नहीं। जरूरी नहीं कि ससुराल वाले अपना लें, वो भी चाहते हैं उनने अपने बेटे को बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, तो उनके भी अरमान होते कि मैं अपने घर में ऐसी बहू लाऊं, ऐसा करूं ऐसा करूं। उस परिवार ने अपनाया नहीं। अब दोनों की खचर पचर शुरू हो गई, और इतनी हुई कि पहले तेरे बिना नहीं रह सकती थी और अब पहले ये था कि तेरे लिए मर जाऊंगी और अब तू जबरदस्ती करेगा। तो ये आजकल की पीढ़ी, ये मत समझो कि ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। जितनी जल्दी समझदार होते हैं उतनी ज्यादा टेंशन इकट्ठी हो जाती है, और जितनी टेंशन होती है उतनी ज्यादा परेशानी और जीवन में भार महसूस होता है। तो पहले बच्चे बड़े बाद में होते थे, बड़े तो हो जाते थे, समझदार बहुत देर से होते थे, और आजकल के बच्चे वो इतना सा समझदार हो जाता। आपने मेरे फ्रेंड के सामने ऐसा क्यों बोल दिया? आपने मुझे नीचा दिखा दिया? आपने ऐसा क्यों किया? वो इतना सा, और पहले तो पीट भी दो तो कुछ नहीं होता था। भले ऐसा है कि नहीं है, आजकल छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और मोबाइल के कारण से तो इतने ज्यादा तेज हो रहे हैं, इतने होशियार हो रहे हैं कि अपने जिनने उन्हें लायक बनाया है, जिन्होंने उसको लायक बनाया था वो उसे नालायक समझते हैं। मम्मी पापा तो बुद्धू हैं, जरा सा पूछ तो लें, बेटा ये मोबाइल में क्या सर? अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, बार बार मेरे पास पूछते, डिस्टर्ब करते हो मुझे। लेकिन ध्यान रखना, आने वाला समय दिखने में अच्छा आ रहा है लेकिन सुख नहीं है, सब अंदर से रो रहे हैं, और खुद भी परेशान हैं बच्चे, और अपने परिवार वालों को भी परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो बंधुओं, मुझे जो बात कहनी थी वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई है ना? जो बात मुझे कहनी थी, जो मुझे सार निकालना था, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब मैं कल बोल दूंगी। अभी तो महत्व बता दूं, आप लोग बड़े दूर दूर से आए हैं। चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में सात का, शरीर में हाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में राजा खेड़ा का, आम की बौर का, नीता के दौर का, आने वालों में इंदौर का, ब्यारा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में ब्यारा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, बालूज, अच्छा, करने में वस्तु के यूज का, और लाइट में फ्यूज का, और आने वालों में बालूज का, कौन सा रोड? मीरा रोड, बम्बई शहर के कोर्ट का, डालने में बोट का, और आने वालों में बम्बई मीरा रोड का, नरोडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वाले में नरोडा का, सामर लेख, अच्छा, लिखने में अच्छे लेख का, और देखने में अच्छा देख का, और आने वालों में सामर लेख का, कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का, करेली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में करेली का, अमर पाटन, साड़ियों में शार्टन का, और खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में अमर पाटन का, बड़ौदा, बड़वानी, मंदिर में जिनवाणी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में बड़वानी का,
रावत भाटा। अच्छा, रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वाला में रावत भाटा का। पुनः पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। आम गांव। अच्छा, ये आम तो इन्होंने जल्दी बोला और गांव धीरे से बोला। खाम गांव। हाँ, मतलब खाम। हाँ ठीक है। मनुष्यों के प्रभाव का, नदी में नाव का, और आने वालों में खाम गांव का। बैठने में दरी का, और आने वालों में नेरी का। भोपाल, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। कलोल, बोलने में मीठे बोल का, दूध के डोल का, और आने वालों में कलोल का। हो गए सारे। टड़ा। अच्छा, हाथ में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में टड़ा का। धार, खार, मुंबई में खार है। अच्छा अच्छा अच्छा। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में खार का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। मल्हार, तुम पूरी मुंबई का पूछ लोगे मुझे ऐसा लग रहा है। महिलाओं में हार का, मल्हार है या मल्हार है, लड़ा है। जंगल में झाड़ का, बाग में बाड़ का, और आने वालों में मुंबई मल्हार का। हाँ, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दोबारा आने का। बोलिए चौबीसों भगवान की। क्या आपने मुनिश्रत भगवान जी के कब दर्शन हो गए? तो जल्दी जल्दी आप भगवान जी ने हमें बुला लिया और हमारे मतलब सफल हो गया, और माता जी का प्रवचन सुनने का बहुत मतलब हमारा मन हो गया था, और 3 दिन से माता जी का मौन था, तो हम वापस आए और माता जी का आज प्रवचन सुना, बहुत ही अच्छा लगा। माता जी वंदा मी। माता जी यहाँ के दर्शन का भाव बना हुआ था, आज परिवार के सहित आना हुआ, और आने के बाद भगवान की प्रतिमा को देखकर इतनी शांति मिली, और यहाँ की व्यवस्थाएं तो मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, सोचा नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ की व्यवस्थाएं मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल, 5-स्टार होटल की तरह से, और स्टाफ का जो बोलने का तरीका है, वो सबके प्रति मतलब इज्जत सम्मान देना, पूरा स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, वो आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मेरी भी इच्छा है, आप सबसे ये विनती है कि आप सभी यहाँ पर एक बार जरूर आएँ, भगवान के और माता जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनेंद्र। विश्वास नहीं हो रहा है माता जी के, मैं मम्मी हम लोग आपके सामने खड़े हैं, हम हमेशा टीवी में देखते थे, और मम्मी ने टीवी में प्रवचन देख के ही ऐसा भाव बना लिया कि भाई हमको जहाजपुर जाना है, और वो सरस्वती माता जी के मंदिर के लिए उन्होंने भाव बनाए थे, तो बस उसी के लिए मैंने तुरंत टिकट बुक करवाया और हम लोग एकदम से आ गए। तो ऐसा लगता है कि मुनीश्वर स्वामी भगवान की कृपा और आपका आकर्षण हमको यहाँ पे खींच लाया माता जी। और मैं क्या कहूँ आपके लिए, आप तो हम जैन समाज के कोहिनूर हीरे हैं, आप इसी तरह प्रकाश फैलाते रहे और हमें ज्ञान की दिशा बताते रहे माता जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जैसी चारों दिशाओं में फैली है जिनकी प्रभावना, स्वस्तिक के चारों रेखाओं जैसी चारों दिशाओं में फैली है जिनकी प्रभावना, जिनके दर्शन ज्ञान और सानिध्य के लिए सब लोग करते हैं कामना, जिनकी साक्षात वाणी सुनने के लिए भक्तजन कर लेते हैं हर रुकावटों का सामना, हर चीज का महत्व देखने वाली, अपने प्रवचन से परिवर्तन करने वाली परम पूजारी का स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में समस्त वालू जैन समाज की ओर से त्रिवार वंदना, त्रिवार वंदना, त्रिवार वंदना। गले में आभूषण का,
स्त्री को, स्त्रियों के लिए तो गले में आभूषण का, मुनियों में कुलभूषण का और माता जी में स्वस्ति भूषण का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है, बड़ा है। वंदामी माता जी, वंदामी माता। और मतलब मैंने ऐसी मूर्ति अभी तक कहीं भी नहीं देखी, दूर से ही इतना तेज है मूर्ति में कि मतलब भाव हो रहे थे कि अभिषेक किया जाए। कल शाम तक लग रहा था कि करूँगा कि नहीं, पर आज सुबह मन हो गया एकदम से, क्योंकि रात में ही मूर्ति देखी थी तो बहुत ही अच्छा लगा। और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं सारी, धोती पंछा वगैरह। और एक अंकल जी मिल गए थे, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि कर लो, बहुत ईजी है सब कुछ। मैं पहले लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी व्यवस्था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। से मैं टीवी पर देखती थी, आपके प्रवचन सुनती थी और मूर्ति को देखती थी, तो बहुत मतलब 4 साल पहले से मेरा मन था कि कब मैं जाऊं जहाजपुर, मूर्ति के दर्शन करूं, आपके दर्शन करूं और साक्षात आपके प्रवचन सुन सकूं। और आज मुझे वो सौभाग्य मिला और ऐसा लग रहा है जैसे आज एक जीवन का बहुत बड़ा दिन, आज जन्म सफल हो गया, ऐसा फील हो रहा है। तमिलनाडु से, और जब कोयम्बटूर से निकले थे तभी ये मन में भाव बने थे कि हमें जहाजपुर ज़रूर आना है। मेरी मम्मी की और मेरी वाइफ की बहुत इच्छा थी और उन्हीं को ले मेरी भी इच्छा हुई कि इनको ये यात्रा करवानी है। आज मंदिर में आके लगा कि बस आज जीवन सफल हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करूँगा जब भी राजस्थान आऊँ तो मैं ज़रूर यहाँ आऊँ। राजा गिड़ा से ही मतलब, और मैंने मतलब दूसरी बार यहाँ पे आके चेतरम्बू की या यहाँ पर पैसा भी सदयोग में लग रहा है, मेरे को देख के बहुत बड़ा खुशी हुई है। हमारे पिताजी ने मतलब बोला था कि मैं बेटा पाठ कराऊंगा, तो मैंने ही बटेश्वर में करा लो, नहीं मैंने जाजपुर की कह दिया है, तो उन्होंने उनकी भी इच्छा हमने यहाँ ही आके पूरी की। भगवान जी विराजमान थे, अब तो 4 साल से बहुत भाव बना था कि जल्दी ही जल्दी जाजपुर जाना है, जाना है, निमित्त नहीं बन पा रहा था, निमित्त बनाया और आज यहाँ देख के आत्मा प्रसन्न हो गई। बहुत ही अच्छा लगा माता जी, बहुत यहाँ की व्यवस्था ही बहुत शानदार है। बंदा भी माता जी प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो भी जहाजपुर वाले मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं एक अनूठा संयोग मिला है, आने वाली 4 दिसंबर को शनिवार और अमावस्या का। शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन एक विशेष दिन होता है शनि अमावस्या का, और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने से, शांति धारा करने से महान पुण्य का बंध होता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ शनि अमावस्या को आप यहाँ पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। 8 बजे से अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी सुबह। बंधुओं 4 तरह के कलश हैं, रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11000 रुपये, हीरक कलश 21000 रुपये और रत्न कलश 51000 रुपये की राशि है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनों के नाम से, अपने नाम से यहाँ पर शांति धारा करवाएं, कलश करवाएं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।